कि आज भी जब बादल तड़कते हैं तो हाथ और पांव में दर्द होता है। आज भी जब बादल तड़कते हैं तो हाथ और पैर में दर्द होता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बयान हाल ही में दिया। दरअसल शिवराज सिंह चौहान इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के समय की बात कर रहे हैं। उस दौरान का उन्होंने एक किस्सा सुनाया, आइए आपको पूरा बयान सुनाते हैं। झूठे भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान की अगर धज्जिया उड़ाई थी तो इंदिरा जी ने उड़ाई थी। मेरी उम्र थी 17 साल जब इमरजेंसी लगी थी और तब मेरे जैसे बच्चे को जेलों में भेज दिया गया था, ठूस दिया गया था। केजरीवाल की तरह नहीं, वो तो गड़बड़ करके गए। इसलिए कि हमने आपातकाल का विरोध किया था। इतने डंडे मारे थे मेरे घुटनों में और कोहनियों में कि आज भी जब बादल तड़कते हैं तो हाथ और पांव में दर्द होता है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी के समर्थन में आयोजित जनसभा में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया और भाजपा को भारी मतों से जिताने की अपील भी की। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।